पता नहीं कहाँ रख दी तुमने सैंडल बेटा। चाची मैंने ना अपने सारे अच्छे अच्छे कपड़े पैक कर दिए, अभी मेरे को कोई ड्रेस नहीं मिल रही है। मैं कोलकाता उतरने से पहले ट्रेन में चेंज कर लूंगी, मुझे लेट हो रहा है अभी। चलो फिर तुम जल्दी निकलो, कहीं देर ना हो जाए ना। हाँ हाँ चाची बाय। ओके पप्पी हो, वो कागज क्या है? ये तो कोई लेटर लगता है। कोलकाता भागने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हें वहां भी फॉलो करूंगा। इसका लेटर रखती हूँ, लाओ दिखाओ मैं पढ़ू। नहीं चाची, आप क्या करेंगी पढ़ के? वो मेरा पर्सनल लेटर है। ओ, पर्सनल लेटर है? ऐसे घबरा रही हो पीहू बेटा, जैसे कि किसी का लव लेटर हो। ठीक है, मैं नहीं पढ़ती। ओके आइए डॉक्टर। घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस नॉर्मल सा क्रैम्प्स है पेट में, कुछ टाइम आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। मैं कुछ दवाई लिखकर दे रहा हूँ, दिन में 3 टाइम देते रहिए। भैया आप प्रिस्क्रिप्शन मेरे को दे दीजिए, दवाइयाँ मैं ले आऊँगा। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, असल में पीहू हमारे साथ ही जा रही थी कोलकाता, तो अभी इसकी तबीयत ऐसी होगी तो ये जा सकती है हमारे साथ। पापा मैं घर में रेस्ट करना चाहती हूँ, रास्ते में दर्द और बढ़ गया तो। देखिए अगर ये नहीं जाना चाहती है तो मैं भी जबरदस्ती नहीं कर सकता, और बेटर यही होगा कि ये यहाँ घर में रहकर ही आराम करे। दीदी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम लोग सब है ना, हम रखेंगे पीहू का ख्याल, आप आराम से कोलकाता जाइए। प्रतिभा माँ और सुनिधि हैं, ये संभाल लेंगे पीहू को, और डॉक्टर साहब भी कह ही रहे हैं कि घबराने की कोई बात नहीं। तुम भी सोचो अगर पीहू की वजह से तुम ऑडिशंस में नहीं जाओगी तो जिंदगी भर ये कोसती रहेगी अपने आप को, कितना बुरा लगेगा उसे। और प्रतिभा जी मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ, आप निश्चिंत होकर जाइए, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं तुरंत आ जाऊंगा। और डॉक्टर को मैं बुला लूंगी, फिकर मत कर, जाओ तुम। अच्छा मैं चलता हूँ। पीहू मैं रुक जाती हूँ। नहीं मॉम, आराम से आराम से। मॉम आप मेरे लिए मत रुकिए, आप चले जाओ। आई प्रॉमिस आई बी फाइन। ठीक है पीहू, तुम कहती हो तो मैं, पर तुम अपना ध्यान रखना। अभी आप जाइए, आपकी ट्रेन का टाइम हो रहा है। अनमोल बैग उठाने में मेरी हेल्प कर। दीदी आप भी आ जाइए। पीहू कुछ भी होगा Thank you.
मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। आई होप अब तुम्हारा पेट दर्द ठीक हो गया होगा। जैसे ही मैसेज मिले कॉल करना। लव यू पीटर। पेट के दर्द की एक्टिंग अच्छी की थी वैसे, बट मुझे तुम्हारी एक्टिंग नहीं पैसे देखने हैं। हम शाम को पुलिस लेकर तुम्हारे घर आएंगे, तैयार रहना। अपनी पूरी फैमिली के सामने एक्सपोज होने के लिए तुम्हारे पास केवल 3 घंटे हैं। तैयार रहना अपनी पूरी फैमिली के सामने एक्सपोज होने के लिए। तुम्हारे पास केवल 3 घंटे हैं। इससे पहले कि पीहू प्रतिभा दीदी और भाई साहब से फोन पर कुछ भी बताती, मेरा पहला प्लान सक्सेसफुल हो गया। अब प्लान नंबर 2 शुरू करने का वक्त आ गया है।